वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 7 मीटर्स लेस देन इट्स लेंथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 1034 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें जो ब्रेड्थ का वैल्यू है वो उस पार्क के लेंथ से 7 मीटर कम है, और इसी पार्क का जो पेरीमीटर है वो दिया है 1034 मीटर्स। फाइंड द डायमेंशंस मींस हमें निकालना है इस पार्क का लेंथ क्या होगा, इस पार्क का ब्रेड्थ क्या होगा। तो पार्क जो है इस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप। तो एक रेक्टेंगल में दो टाइप्स की डायमेंशंस होती है, एक को हम एल से डिनोट करते हैं मींस लेंथ, एक को हम बी से डिनोट करते हैं मींस ब्रेड्थ। अब हम क्या मानेंगे इसके सॉल्यूशन में, हम मानेंगे लेट द लेंथ बी एक्स मीटर्स। इसमें जो लेंथ का वैल्यू होगा वो एक्स मीटर्स है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेड्थ का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रेड्थ का वैल्यू एक्स माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है इसमें जो ब्रेड्थ का वैल्यू है वो उसकी लेंथ से कितना कम होगा, 7 मीटर्स कम होगा। तो अगर हमने लेंथ रखा एक्स तो ब्रेड्थ होगा एक्स माइनस 7 मीटर्स। ऑल्सो पेरीमीटर पी, पेरीमीटर को पी से भी डिनोट किया जाता है, वो किसके बराबर है, 1034 मीटर्स। तो हमें निकालना है इसमें लेंथ का वैल्यू क्या होगा, ब्रेड्थ का वैल्यू क्या होगा। तो फॉर्मूला हमें पता है, वी नो फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये है फॉर्मूला। तो पेरीमीटर हमें दिया है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर इज इक्वल किसका, किसके बराबर दिया है, 1034। टू यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ एल प्लस बी इज इक्वल टू 1034 डिवाइडेड बाई टू, कैंसिलेशन, 2 1 2 5 2 1 1 इज कैरीड 2 7। तो एल प्लस बी का जो वैल्यू आया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का जो वैल्यू है वो है 517, लेकिन लेंथ का वैल्यू हमने क्या रखा एक्स, और ब्रेड्थ का वैल्यू क्या है एक्स माइनस 7। लेंथ को एल से भी डिनोट किया जाता है, ब्रेड्थ को बी से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे सबस्टिट्यूट हम क्या करेंगे, एल की जगह एक्स प्लस बी की जगह एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 517। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स प्लस एक्स का वैल्यू होता है 2x, माइनस 7 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा 517 प्लस 7, दोनों को ऐड करेंगे, 2x इज इक्वल टू 517 को ऐड करेंगे 7, 7 प्लस 7 इज 14, 2 and 5, ये आएगा 524। तो x का वैल्यू यहां पे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड हो जाएगा 524 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 2 6 2 2, विच इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 262। तो एक्स का जो वैल्यू आया वो है 262 मीटर्स। देयरफॉर लेंथ ऑफ पार्क, ये जो पार्क है इसकी लेंथ जो है उसका वैल्यू क्या है, 262 मीटर्स, क्योंकि एक्स हमने रखा था लेंथ, तो लेंथ का वैल्यू आया 262 मीटर्स। अब हम निकालेंगे इसी पार्क का ब्रेड्थ का वैल्यू। तो ब्रेड्थ हमने क्या रखा था, देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, मींस एक्स का वैल्यू 262 माइनस करना है 7, 262 को माइनस करेंगे 7, ये आएगा 552। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ
पार्क इज इक्वल टू 255 मीटर्स। तो ये हो गए इसके डायमेंशंस। डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ का वैल्यू है 262, ब्रेड्थ का वैल्यू है 255 मीटर्स। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं लेंथ ज़्यादा है ब्रेड से, कितना ज़्यादा है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा 7, वही क्वेश्चन में दिया हुआ था। थैंक यू।